All set, aye, action. आप सबको शंका कुशंका हो रही होगी कि मैंने ये सभा क्यों बुलाई है, आखिर ऐसा क्या है जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूं। सर थोड़ा सा आगे सर, ये सर वापस करो। नहीं सर, ये मूवमेंट दिखा दीजिए, आपको कैमरा फॉलो करना है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी आखिर ऐसी क्या बात है जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूं। ये पैसे मैंने यहां से लिए थे, वो जिसके भी हों मैं माफी चाहता हूं, उसकी क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी के मन में शंका कुशंकाएं होती होगी कि मैंने ये सभा क्यों बुलाई, आखिरकार ऐसी क्या बात है जिसका मैं ऐलान करने जा रहा हूं। ये जिसके भी हो वो मुझे माफ करें। भगवान को साक्षी रखकर मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं ऊपर से चाहे भले ही कितना कठोर लगूं लेकिन मैं एक बाप हूं, मुझे अपने बेटे से इतनी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैं नहीं जी सकता निखिल के बगैर। मुझे लगता है कि निखिल और उसकी बहू को इस घर में ना आने देने मुझे लगता है मैंने निखिल और उसकी बहू को घर में ना आने देकर बहुत बड़ी गलती की है। तू करना क्या चाहता है? मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर लूंगा दीदी, मैं निखिल की माफी मांग लूंगा, लेकिन ये उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। ओके ओके, ये एक दो तीन का होगा, दो लोग का दो क्लोज। हाँ हाँ, वो उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि वो जो निखिल चला गया है उसकी वजह से जो एक सामाजिक स्तर पे भी सामाजिक तौर पे ये पंडित अशोक तिवारी को जो कुछ कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, उसको एक छोटे से शहर में रहता है बरेली में, तो उसको लोग सवाल पूछ रहे हैं,
शायद उसकी आमदनी पे भी असर पड़ रही है, काम पे असर पड़ रही है, वो मायूस है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भाई क्या करें, उसकी जो हालत है वो यानी बहुत ही दयनीय दयाजनक परिस्थिति में आ गया है। तो उसी का अभी सीन हम कर रहे हैं। नहीं वो भी अभी अभी हमने सीन किया कि जहाँ वो फाइनली आकर अपने जो परिवार के लोग होते हैं उसको इकट्ठा करके कहता है कि भाई ये मैं चाहे ऊपर से जितना भी कठोर लगूं लेकिन मैं आखिरकार इंसान हूँ, एक बाप हूँ और मुझे मेरे बेटे की याद सता रही है और मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी उन्हें घर से निकाल देने में। तो शायद वो अभी वो प्रायश्चित कर रहा है उस बात का, वो शायद निखिल और उसको बुलाएगा वापस अपने घर में। नहीं मुझे लगता है कि बस ये जो हमने जो सीन किया जहाँ उसने अपना इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया, बुआ को भी बताया कि मैं उसकी माफ़ी मांग लूँगा और अपनी गलती का प्रायश्चित इस तरह से करूँगा कि मैं उसे वापस बुला लूँगा, तो अब इसके बाद में उनका गृह प्रवेश होगा और फिर आगे जो कुछ भी होता है उसको देखते हैं। वेल अभी तो ऊपर से ऐसा लगता है कि ये जो पंडित अशोक तिवारी है वो तो अच्छा आदमी बन गया है। वो तो पहले जितना गुस्सैल या जितना सबके साथ वो पूरा झगड़ालू था, अब शायद वो कुछ नया रंग दिखा रहा है अपना। लेकिन कोई भी कथा में संघर्ष तो होता ही है, तो हम देखें पंडित अशोक तिवारी क्या करते हैं।